मैं आपके साथ मिली गुप्ता। चलिए रुक करते हैं बिहार की खबर पर। बिहार के औरंगाबाद जिले में हल्ला बोल दरवाजा खोल के महासम्मेलन की बैठक की तैयारी की गई। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए हल्ला बोल दरवाजा खोल कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जगह जगह बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बिहार के औरंगाबाद जिले में महासम्मेलन बैठकों की तैयारी की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार बबलू जी, गौह विधानसभा के नेता विनोद कुमार कुशवाहा जी, महासचिव श्रीकांत प्रसाद जी और उनके साथ मीडिया प्रभारी चुन्नू शर्मा और नंदकिशोर मेहता मौजूद थे। आइए सीधे चलते हैं औरंगाबाद से हमारे संवाददाता निशांत कुमार के पास। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि आपका हल्ला बोल दरवाजा खोल का मेन मकसद क्या है, आप बताइए। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह जनता के समस्या को लेकर कर करके एक बैनर के तहत अपना कार्यक्रम करता है। उसी प्रकार हमारे पार्टी जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है उसके नेता तमाम नेता भारत सरकार के मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और हमारे पार्टी के उपमुख्यमंत्री कुशवाहा जी ने यह महसूस किया कि न्याय एक तो लोग विश्वास है कि भगवान न्याय देते हैं और वह और दूसरा लोगों को न्यायालय में न्याय मिलता है। उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह से पक्षपात हो रहा है न्यायालय में, उससे जो हमारी जनता है, हमारा जो मालिक है, उनको न्याय मिलने वाला नहीं है। क्योंकि न्याय देने वाला ही जिस कुर्सी पर है उनका चयन ही लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी नहीं हुआ है और न ही उनको दक्षता के आधार पर चयन होता है, क्योंकि ये कॉलेजियम सिस्टम है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आज तक मात्र 250 घर के ही लोग जज के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उसमें कॉलेजियम सिस्टम के तहत उन लोगों का चयन होता है। कॉलेजियम सिस्टम का अर्थ ही है कि चार जज मिलकर कर कर करके हल्ला बोल दरवाजा खोल ये कार्यक्रम हमारे पार्टी के नेता माननीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और इसका मेन मकसद है कि कॉलेजियम सिस्टम्स के विरोध हम काम कर रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम्स के विरोध में काम इसलिए कर रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम्स जो कोर्ट में लागू है और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वह कॉलेजियम सिस्टम से होती है। कॉलेजियम सिस्टम्स क्या है ये बताना चाहते हैं आपको। कॉलेजियम सिस्टम्स में सुप्रीम कोर्ट में मेंबर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति में जो उसमें मेंबर हैं उनको अधिकार है जज की नियुक्ति। हम उस अधिकार के खिलाफ में आवाज़ उठाना चाहते हैं, इसलिए कि भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाली देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान यहाँ का धर्म निरपेक्ष है और यहाँ के लोगों को सबका अधिकार बराबर है। जिस प्रकार आज़ादी के बाद भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसको लोग यूपीएससी कहते हैं, और यूपीएससी के तहत भारत सरकार के गजेटेड पदों पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति होती है, उसमें सभी वर्गों के लोगों को आरक्षण के अनुसार उसका लाभ भी मिलता है और प्रशासनिक सेवक नियुक्त होते हैं जिसमें कलेक्टर बनाए जाते हैं, एसपी बनाए जाते हैं, लायड बनाए जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में चयन होता है और विभिन्न चयनों पदों का चयन यूपीएससी द्वारा होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग के द्वारा। उसी तरह से हम चाहते हैं
कि भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो और भारतीय न्यायिक सेवा के आयोग के द्वारा भी जजों की नियुक्ति हो। ये मकसद है हल्ला बोलने का। हमारा यही मकसद है कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करे, समाप्त हो और भारत सरकार एक कानून बनाए। कानून तो बना हुआ है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, संविधान में है कि भारतीय प्रशासन, भारतीय न्यायिक आयोग का गठन हो, लेकिन आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज तक भारतीय न्यायिक आयोग का गठन। औरंगाबाद से निशांत कुमार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम खत्म करना ही पार्टी का मेन लक्ष्य है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सह रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों में सम्मेलन के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। देश दुनिया की खबर के लिए देखते रहिए पीफो न्यूज़। नमस्कार।